दिवाली आने वाली है तो धनतेरस के दिन स्पेशल डिस्काउंट प्राइजेज रहने वाली है, जो मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है उनके लिए। इन्हीं स्लैब्स की बहुत ही स्पेशल और बहुत ही रीजनेबल प्राइस रहेगी, जो मेरे से कनेक्टेड रहेगा व्हाट्सएप के ऊपर, जो मेरे को कॉल कर देगा उसे मैं प्राइजिंग शेयर करूँगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। बेसिकली आज की वीडियो जो है अपनी होने वाली है चकडूंगरी मार्बल। चकडूंगरी मार्बल में भी जो कस्टमर्स की ज़्यादातर चॉइस रहती है, जो कस्टमर्स की डिमांड रहती है लाइनिंग मटेरियल के अंदर, तो आज की वीडियो है अपनी लाइनिंग की चकडूंगरी के ऊपर, जिसकी आप देख सकते हो 4 स्लैब्स यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है, 4 लोट अवेलेबल है, जिसमें बड़ी साइजेस की लोट अभी अवेलेबल है और छोटे साइजेस के भी। तो ये जो पहला लोट देख पा रहे हो ये स्ट्रेट लाइनिंग के अंदर, आप देख पा रहे हो कितना शार्प लाइनिंग है, कितनी वाइटनेस के अंदर है, जो वाइट चकडूंगरी आता है उसके अंदर ये लोट है। और कंप्लीट जो लाइनिंग जाएगी सिमिलर जाएगी, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जो लाइनिंग आप देख पा रहे हो कंप्लीट सिमिलर जाएगी, फर्स्ट पीस में जितनी वाइटनेस है, जितना ग्लेज है, उतना लास्ट पीस तक आपको देखने को मिलेगा। यही खासियत होती है चकडूंगरी मार्बल की। दूसरी जो क्वालिटी है चकडूंगरी मार्बल की कि इसका क्रिस्टल बहुत ही फाइन आता है। फाइन क्रिस्टल होने का क्या फ़ायदा रहता है कस्टमर को बता दूं, जितना फाइन क्रिस्टल होगा उतना पॉलिशिंग अच्छा आएगा, जितना फाइन क्रिस्टल आएगा उतना पॉलिशिंग अच्छा आएगा। लोग समझते हैं कि वाइटनेस से चमक आएगी, वाइटनेस से चमक नहीं आती है। जो किशनगढ़ का राजनगर का मटेरियल आता है वो वाइटनेस बहुत अच्छी आती है, बट उस पर पॉलिशिंग नहीं आती, येल्लो हो जाता है। ये मार्बल कभी येल्लो नहीं होता, कभी भी इस पर पॉलिशिंग जाएगी नहीं, पॉलिशिंग हमेशा बनी रहेगी, वाइटनेस हमेशा बढ़ेगी। इसीलिए चकडूंगरी मार्बल, मकराना चकडूंगरी मार्बल की डिमांड बनी रहती है मार्केट के अंदर। ये देखिए, बात करें स्लैब की साइज़ की तो अप्रोक्स 5 फीट इसकी लेंथ है, 2.6 फीट इसकी हाइट है। जो स्टैंडर्ड साइज है वो वाली इसकी साइज़ है, लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो आपको अगर एक ही पैटर्न का, एक ही वाइटनेस का मटेरियल लगाना है तो ये चारों लोट आप सेलेक्ट कर सकते हो। बात करते हैं प्राइसिंग की तो चकडूंगरी मार्बल 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग प्राइस रहती है। 100 रुपीज़ में अच्छा वाइटनेस का नहीं बोल सकते, थोड़ा लाइट ब्राउन, थोड़ा लाइट ग्रे कलर का आपको देखने को मिलता है। थोड़ा वाइटनेस का मटेरियल लेते हैं चकडूंगरी में तो 130-140 इस रेंज तक अपन को जाना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा आइडिया हुआ होगा प्राइसिंग का भी। 100 रुपये से लेकर 250-300 तक चकडूंगरी आपको मार्केट में देखने को मिलेगी, डिपेंड करता है क्वालिटी पे, लोड की साइज़ पे, रिकवरी पे, प्राइसिंग। तो उम्मीद है आपको ये स्लैब्स पसंद आई होगी। अब इन पे मैं वाटर भी अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ कि इसका कैसे पॉलिशिंग का लुक आएगा, क्योंकि वाइटनेस का मटेरियल है, पॉलिशिंग अच्छी आएगी इसकी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिशिंग का बहुत अच्छा इस पे ग्लेज आने वाला है। ये देखिए चारों एंगल से आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सिंगल पीस है इसका जिसपे आप वाइटनेस देख सकते हो, और आगे से आगे जाएगा तो लाइनिंग मैच होती जाएगी, लुकिंग अच्छा आता रहेगा। ये देखिए मैं बिल्कुल पास ले जा रहा हूँ जितना हो सकता है, और बिल्कुल फाइन क्रिस्टल के अंदर है। ये देखिए तो ये कंप्लीट मैंने सभी पे वाटर अप्लाई कर दिया आपके लिए। ये देखिए सभी को मैं जितना पास से दिखा सकता हूँ आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, और इसकी भी जो लाइनिंग है बहुत अच्छी लाइनिंग है, आप देख पा रहे हो वाइटनेस के अंदर है। ग्रे बेस चकडूंगरी नहीं है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, ग्रे बेस चकडूंगरी अलग से आपको दिख जाएगी, ये वाइटनेस के अंदर है। अब एक बार मैं आपको ग्रे बेस की चकडूंगरी दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। इसी के पास ये वाइटनेस की चकडूंगरी है, और ये वाला जो आप देख पा रहे हो ये ग्रे बेस चकडूंगरी है। तो आप इन दोनों में डिफरेंस देख पा रहे हो कितना वाइटनेस का फ़र्क है। एक वो वाली देखिए, एक ये वाली देखिए। आप कॉम्प्रोमाइज़ कब तब कर पाओगे जब आप ये दोनों स्लैब एक जगह रहेगी, बहुत सी जगह इसी को वाइटनेस बता दिया जाएगा, इतना वाइटनेस भी नहीं आएगा इसमें। अब ये वाइटनेस आप देख सकते हो कितना अच्छा वाइटनेस है। इसी के साथ हमारे एक कस्टमर आए हुए हैं जिन्होंने मार्बल परचेज किया है हमसे। कस्टमर जो है बिलोंग करते हैं रहताई भोपाल मध्य प्रदेश से, तो चलिए उनसे भी सुनते हैं कि बाना मार्बल पर आके उन्होंने मार्बल परचेज किया है तो उनको कैसा लगा।
बहुत बढ़िया फीलिंग रही यहाँ पर, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसा हमने वीडियो में देख रहे थे वैसा ही पाया यहाँ पर। अल्बेटा मार्बल वाजिब दाम में मिला, मातावर भी वाजिब दाम में मिला, डूंगरी भी हमें वाजिब दाम में मिला। अतः सभी से निवेदन है कि बिना किसी के संपर्क किए डायरेक्ट आकर के संपर्क करें और डायरेक्ट खरीदी करें। इन्हीं के साथ इन भैया भी आए हैं, तो भैया आप भी बताइए कैसा लगा आपको। अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे परचेसिंग का। जो हमने सोचा था या जो हम देख कर आए थे वो सारी चीज़ें हमें यहाँ मिली, वाजिब दामों में मिली, और ऐसी कोई लूटपाट या किसी अन्य प्रकार का कोई धोखा छलावा यहाँ पर नहीं है। तो कृपया कर यहाँ आए, खुद आकर विजिट करें और उसके बाद परचेसिंग करें, बिना किसी एजेंट के थ्रू आए। बिल्कुल इन्होंने सही कहा, क्योंकि जब भी आप किसी ब्रोकर के थ्रू आते हो तो आपको वह क्वालिटी भी नहीं मिलती और उस प्राइस में आपको अच्छा मटेरियल भी नहीं मिलेगा। तो बेसिकली ये हमारे पास डायरेक्ट आए और डायरेक्ट हमारे गोडाउन पे विजिट किया, एक एक चीज़ समझी, एक एक चीज़ को एनालाइज़ किया कि कौन सी चीज़ बजट में आती है, कौन सी चीज़ अपने लिए अच्छी है, उस हिसाब से इन्होंने सिलेक्शन किया। तो अंकल जी जब लोडिंग हो रहे थे, एक तरीके से इनको नॉलेज नहीं है क्योंकि कस्टमर डेली इसी काम में नहीं रहते, उन्हें देखना अलग चीज़ होती है जब मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट हमने एक एक पीस का मेजरमेंट किया है, जहाँ पे भी करेक आया वहाँ मार्कर से निशान लगाया है। तो मेजरमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे अंकल जी? मेजरमेंट मकराना मेजरमेंट से हुआ, जैसा 3, 6, 9 के आधार पर यहाँ मेजरमेंट का जो प्रथा चालू है उसी अनुसार मेजरमेंट किया गया। बहुत बढ़िया मेजरमेंट, यदि कहीं कुछ चटका वटका या कोई भी चीज़ है तो उसको बराबर हटा करके और फिर मेजरमेंट किया गया। तो मेजरमेंट हम कस्टमर को बोलने से पहले ही लेस कर देते हैं, क्योंकि जब भी हम मटेरियल देते हैं, अगर मैं गारंटी लेता हूँ हमेशा मेरी वीडियोस में कि आप 1000 स्क्वायर फीट लोगे तो आपके 1100 स्क्वायर फीट वो फिटिंग हो जाएगा, क्योंकि हम मेजरमेंट जो है फ्रेश मेजरमेंट मकराना मेजरमेंट करते हैं जिसमें आपके मटेरियल हमेशा बढ़ेगा। तो उम्मीद है आप भी इसी तरीके से अगर अच्छा मार्बल लेना है तो एक बार हमारे गोडाउन विजिट करिए। फिर से बता देता हूँ, कस्टमर जो है भोपाल से बिलोंग करते हैं, भोपाल में रहते ही एक जगह का नाम है, वहाँ से डायरेक्ट हमारे पास आए, कहीं किसी ब्रोकर के थ्रू कॉन्टैक्ट नहीं किया इन्होंने। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो और हमारा बिहेवियर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आपने सुना, कस्टमर यहाँ पे आए, मार्बल परचेज किया, हैप्पीली अपने घर पे जा चुके हैं। तो इसी तरीके से हम डील करते हैं अच्छे मटेरियल में, प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल में, और जेन्युइन के साथ डीलिंग करते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, मटेरियल पसंद आया होगा। जल्दी कॉन्टैक्ट करिए अगर इस टाइप की मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। लास्ट बात बोल देता हूँ कि दिवाली आने वाली है, तो धनतेरस के दिन स्पेशल डिस्काउंट प्राइजेज रहने वाली है। जो मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है उनके लिए इन्हीं स्लैब्स की बहुत ही स्पेशल और बहुत ही रीजनेबल प्राइस रहेगी। जो मेरे से कनेक्टेड रहेगा व्हाट्सएप के ऊपर, जो मेरे को कॉल कर देगा उसे मैं प्राइजिंग शेयर करूँगा, यूट्यूब के ऊपर वो प्राइजिंग शेयर नहीं करी जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, कॉन्टैक्ट करिए अगर आपको दिवाली पर डिस्काउंट लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।